तो गुड आफ्टरनून वन dear friends फ्रेंड्स एंड we वी आर गोइंग टू टॉक ऑन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पर हम लोग बात करेंगे और कुछ नहीं ये हमने बात ये पढ़ाई कर ली था ना बेटा वी हैव डिस्कस ना दिस ओके वेरी गुड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके इम्प्लिकेशन बहुत हैं यहाँ से परेप्स वी है स्टार्ट फ्रॉम ईयर राइट हाउ टू हाउ टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम uh, कैसे क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंडिचर को जो हम खर्चे करती है सरकार खर्चे करती है हम का मतलब हम जब मैं बोलूँ हम मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि वी द पीपुल है ना तो हम मतलब पब्लिक पब्लिक इलेक्ट करती है गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है तो हाउ टू क्लासीफाई एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और कैपिटल में कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है पहली बात तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात तो हम नहीं कर रहे हैं पहले हम ये बात बता दें आपको कि जब भी वन एवर नोट कर लेना इफ़ द टर्म लाइबिलटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉरगेट अबाउट इंक्रीज़ और डिक्रीज केवल लाइबिलिटी वर्ड आ गया ठीक है और एसेट्स का रिडक्शन या इंक्रीज ये दोनों वर्ड आगे मान लो लाइबिलिटीज बढ़ती है घटती है एसेट्स घटता है या बढ़ता है तो ये समझना ले, समझ लेना कि रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता पहला पॉइंट क्लियर हो गया बोलो भाई बोलिए चिल्ड्रेन so, ओके स्पीकिंग Okay, so what I am saying if the term liability or assets comes in a definition or in a question, increase or decrease, both liability either it is increasing or decreasing, assets either increasing or decreasing, you should confirm yourself that it, it can never be. रेवेन्यू ओके okay? अगर लाइबिलिटीज का घटना या बढ़ना हो रहा है लाइबिलिटीज टर्म आ गया क्वेश्चन में एसेट्स का घटना या बढ़ना टर्म आ गया डिपेंड तो वो केवल और केवल कैपिटल होगा अब वो घटेगा तो क्या होगा लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगा या लाइबिलिटीज घटेगी तो क्या होगा ठीक है एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा एसेट्स घटेगा तो क्या होगा मतलब वो कैपिटल में ही जो होगा होगा क्या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा लेकिन वो रेवेन्यू तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता समझ में आई बात बोलो बेटा yes, हाँ चलो yes, ओके का बेटा समझ में आ रहा है बेटा निशांत yes, ओके प्रीति प्रीति क्लास में नहीं हो चलो एंड एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट इधर क्रिएट्स एन एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होगा जैसे पापा ने खर्चा किया अट्ठारह सौ स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लिया खर्चा हुआ तो क्या बढ़ा प्लॉट का मतलब क्या बढ़ा एसेट्स बढ़ा कि घटा बोलो एसेट्स बढ़ा ना बेटा ओके okay? yes, तो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो एसेट्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है समझ में आई बात ठीक है तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एक्सपेंडिचर करेंगे तो एसेट्स बढ़ना चाहिए फिक्स हो गया दिमाग में बोलो भाई yes, yes. ठीक है और क्या है कि इट आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेज अ लाइबिलिटी मतलब खर्चा करेंगे तो लाइबिलिटी घटना चाहिए कैसे भाई बोरोइंग किया था ठीक है इंडिया ने जापान से बुलेट ट्रेन वाला एग्जाम्पल ले लो ठीक है बोरोइंग किया था अब बोरोइंग जब बोरोइंग किया था तो ये लाइबिलिटी बढ़ी की घटी वेरी गुड तो जब हम बोरोइंग करेंगे जब किसी से हम उधार लेते हैं बोरो करते हैं तो क्या होता है आप देखते हो ना पहले हम लोग छोटे थे ना तो घर में कुछ चीज़ें कम हो जाती तो अचानक गेस्ट आ आ जाते थे और फादर जो है ड्यूटी पे चले जाते थे हम लोग के या हम मतलब पूरे कॉलोनी में रेलवे कॉलोनी में यही हाल था सब लोग है ना तो उस समय का समाज बड़ा ही इंक्लूसिव समाज था ये नहीं कि बगल वाले सामने वाले फ्लैट में कोई रहते हैं और खोल जैसे वो दरवाज़ा खोले तो अपना दरवाज़ा बंद ये सब नहीं सिस्टम था बल्कि हम लोग तो बारह बजे एक बजे रात में भी हम लोग आपस में खेलते कूदते ऐसे ये माहौल था ठीक है और कई बार तो हम मतलब गर्मी की छुट्टियों में अपने घरों की की जो हम लोग हैंड ओवर करके चले आते थे तो ये ट्रस्ट था समाज ही अलग होता था ठीक है तो अगर मान लो कि आप किसी से उधार लेते हो मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि जैसे मान लो कि घर में कुछ कम हो गया तो बगल वाले से कहाँ से अचानक वो तो मान लो कुछ मंगा लिया चीनी मंगा लिया कुछ ही मंगा लिया ठीक है तो क्या होता था फिर वो उसको वापस करना पड़ता था तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर आप इंडिया ने जापान से बौरो किया तो इंडिया हैज इंडिया इज ऑबलाइज टू रिटर्न इट बैक और नॉट पैसा वापस लौटाने की का ऑब्लिगेशन बनता है ना बोलो भाई yes, तो ये जब पैसा हम बौरो करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज क्या होती है बढ़ जाती है राइट right? तो पैसा आ रहा है यहां देखना पैसा आ रहा है ठीक है और लाइबिलिटीज वर्ड यूज हो रहा है लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो ये क्या होगा तो कैपिटल रिसिप्ट होगा? होगा लेकिन जब हम लाइबिलिटीज को चुकाते हैं तो क्या होता है लाइबिलिटीज घटती है रिड्यूसेज लाइबिलिटी जो यहाँ लिखा हुआ है जब आप चुकाओगे किसी को पैसा रिटर्न करोगे तो आपका पैसा खर्च होगा ना बेटा बोलो बोलो भाई तो एक्सपेंडिचर हुआ तो क्या एक्सपेंडिचर है ठीक है अब तो ये समझ समझ में आ गया कि पैसा हम दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ही होगा और चूंकि तो ये एस लाइबिलिटीज uh, घट रही है तो पहले ही मैंने बता दिया था कि लाइबिलिटीज बढ़ना या घटना कुछ भी हो पहले कैपिटल होगा इसके बाद यहाँ पर घट रही है लाइबिलिटीज तो वो क्या होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है बेटा बोलो चलो तो दूसरा पॉइंट है एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट नाइदर क्रिएट्स एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स ऐसा एक्सपेंडिचर ठीक है जो क्या करता है एसेट्स क्रिएट नहीं करता है किसानों को फार्मर्स को सरकार ने सब्सिडी दिया एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई एसेट्स का क्रिएशन नहीं हुआ आपके पापा को गवर्नमेंट ने सैलरी दी कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हुआ एक्सपेंडिचर तो हो रहा है लेकिन एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है अगर एक्स एसेट का क्रिएशन होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जाता जस्ट ऊपर वाला पॉइंट ठीक है इसलिए एसेट्स का कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है एसेट्स बढ़ नहीं रहा है और खर्चे भी हो रहे हैं तो ऐसे खर्चे क्या आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है और खर्चे हो रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी घट नहीं रही है अभी आपने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाइबिलिटीज घट जाती है ठीक है जब लाइबिलिटीज घटती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉट रिड्यूसेज एनी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज घटती नहीं है ये बात समझ में आई बेटा वेरी गुड अब देखो कुछ यहां पर एग्जाम्पल है किरण पढ़ो बेटा ठीक है अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा की सब्सिडीज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ठीक है सब्सिडी केवल किसानों को भी नहीं है सब्सिडी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को भी होती है अलग अलग चीज़ों पर होती है ठीक है तो जब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो सब्सिडी क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्यों है क्योंकि ये इससे हमारा एसेट्स का क्रिएशन खर्चे तो हो रहे हैं हाँ, एक्सपेंडिचर इज मेड बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट्स ठीक है नॉट रिड्यूसिड एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ना तो कोई लाइबिलिटीज घटती है जैसा कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा था ओके नेक्स्ट कैपिटल इक्विपमेंटेजल एक्सपेंडिचर ठीक है कैपिटल इक्विपमेंट जैसे ही आपने कैपिटल बोला ना ठीक है तो कैपिटल है कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर से हमारा क्या हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्रिएट्स एसेट्स इससे पहले के एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है तो यहाँ पर डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट लिख ही दिया है डायरेक्ट लिख दिया कैपिटल इक्विपमेंट इसलिए अभी 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 मैंने किरण से कार की बात जब हुई कैब की बात हुई तो उन्होंने बताया ना तो मैंने उनसे पूछा कि किरण ये कैपिटल है या कंज्यूमर गुड्स है तो उन्होंने बताया कैपिटल गुड्स है ठीक है जो भी चीज़ वेल्थ का क्रिएशन करने में मदद करे इनकम जनरेशन में मदद करे वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल गुड्स हो जाएगा तो ग्रांट सॉरी डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी तो कैपिटल गुड्स है तो निश्चित रूप से इनकम का जनरेशन होगा तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इंक्रीजेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अगर आप रीजनिंग नहीं देते हो तो जीरो मार्क्स मिलेंगे आप सही भी लिख दिया मान लो लिख दिया आपने कि डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स परचेज फ्रॉम जर्मनी कैपिटल एक्सपेंडिचर और छोड़ दिया जीरो मार्क्स जब तक आप ये नहीं लिखोगे कैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ठीक है बिकॉज इट इंक्रीजेज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट यही एक आपको मार्क्स दिलाने में काफी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हाँ बोलो बेटा कंटिन्यू ठीक है ग्रांट्स गिवेन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है ग्रांट्स है वर्ड क्या है ग्रांट दान ठीक है ग्रांट है ठीक है इट इज रेवेन्यू एक्सप्रेस तो दान जो है ना तो ग्रांट हम जो होते हैं ना वो हम हेल्प करते हैं इट इज अ हेल्प जैसे मान लो किसी ने किसी की हेल्प की ठीक है हेल्प के नाम पर हो ठीक है उधार के नाम पर नहीं हो हेल्प उधार भी हो सकता है और हेल्प जनरल्स भी हो सकता है हम मंदिर में जाते हैं और गरीब जो होते हैं ना उनको हम कुछ पैसा देते हैं तो क्या करते हैं कि गरीब नंबर ए आई आई विल विल कम एंड कलेक्ट मनी बैक ऐसा करते हैं क्या बोलो नहीं करते हो ना तो no, हाँ तो ग्रांट्स गिवेन टू तो स्टेट गवर्नमेंट इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट ग्रांट्स गिवेन मतलब खर्चे हुए हैं तो नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स खर्चे होने पर एसेट्स बनना चाहिए लेकिन यहां कोई एसेट्स नहीं बन रहा है ना क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट खर्चे करने पर लाइबिलिटीज घटती है जैसे बोरोइंग को रीपे आपने पे किया तो लाइबिलिटीज घट रही थी तो ये क्या होगा ग्रांट्स जब है तो ये रेवेन्यू हो जाएगा ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेक्स्ट पढ़ो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स हाँ ओके okay. ठीक है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग ये परमानेंट है ये एसेट्स है जैसे हमने अट्ठारह सौ स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया उसी तरह गवर्नमेंट की स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी तो इसके फायदे क्या होंगे ठीक है तो ये हमारा एक एसेट्स का क्रिएशन हो जाएगा तो एसेट्स बढ़ रहा है खर्चे हो रहे हैं और एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ इट इनक्रीजेज एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आइदर है या तो एसेट्स बढ़ जाए ठीक है या एसेट्स से जुड़ा हुआ हो या लाइबिलिटी से जुड़ा हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल में वो आ, वो एसेट्स का भी बढ़ना या घटना या लाइबिलिटीज का बढ़ना और घटना दोनों साथ साथ हो ये एक कंफ्यूजन आपको होता है इसलिए मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ठीक है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इसमें क्या है कि इसमें हम एसेट्स बढ़ रहा है इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है दैट्स इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है लास्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके आधार पर आप खुद समझने का प्रयास कीजिएगा चलो लास्ट है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ बोलो 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 यू कंप्लीट ठीक है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होता है ना वो रेगुलर नेचर का होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है ठीक है प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज अ रेकरिंग वर्क इन अ डिफेंस और एनी अदर एनी अदर प्लेस एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का है और ये खर्चे आपके एसेट्स में वृद्धि नहीं कर रहे हैं इनक्रीज नहीं कर रहे हैं ठीक है तो जब इट इज़ ना इधर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉट रेड्यूसड एनी लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज भी कम नहीं करते हैं इसलिए एक्सपेंडिचर क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा चलो इतना है इतना बाकी आप पढ़ेंगे और उसको डिस्कशन करेंगे अगर दिक्कत होगी तो आप बात करेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की कि बजट के प्रकार क्या होते हैं है ना एक बजट होता है रोता हुआ बजट एक होता है सामान्य बजट और एक होता है हंसता हुआ बजट रोता हुआ बजट से मेरा मतलब है है ना इमोजी के रूप में देखो तो बहुत सारे तरह के चेहरे बनते हैं इमोजी में तो उसमें एक रोता हुआ चेहरा वो उसका मतलब क्या हुआ वो घाटे का बजट हो गया डेफिसिट बजट एक है सामान्य सा चेहरा किसी ने आपकी प्रशंसा की और आपने बिल्कुल सामान सहाय इमोजी बना लिया हर का अंगाल पर चुपचाप उसमें ना तो लगता है कि हंस रहे हैं ना तो रो रहे हैं ठीक है तो बैलेंस्ड बजट और सरप्लस बजट क्या है जिसमें हमारा चेहरा जो है वो बहुत प्रफुल्लित होता है तो बैलेंस बजट जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए वो बैलेंस बजट सरप्लस बजट जिसमें इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो वो सरप्लस बजट डेफिसिट बजट जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो डेफिसिट बजट ठीक है सरप्लस बजट का इम्प्लीकेशन क्या होगा सरप्लस बजट का मतलब हो जाएगा कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन लोगों से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं लोगों के वेलफेयर पर खर्चे कम हो रहे हैं ठीक है लोग किसी तरह टैक्स दे रहे हैं ठीक है तो ये वेलफेयर की बात नहीं हो पाती यहां पर सरप्लस बजट में टैक्स कम होगा तो कंज्यूमर खुश होगा जनता खुश होगी ठीक है तो बैलेंस बजट क्या है गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू दीमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लियर है ना बेटा ठीक है कि आमदनी जितनी खर्चा yes. उतना बैलेंसड हो गया भाई ठीक है ओके okay. दूसरा क्या है सरप्लस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर रिसिप्ट मतलब इनकम ज़्यादा हो रही है हाँ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन ज़्यादा है किससे से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्चों से गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं आय कम है ठीक है सॉरी उल्टा बोल दिया क्या आर मोर ओके आय ज़्यादा है और खर्चे कम हैं आय ज़्यादा इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है देन द बजट इज टर्म सर प्लस बजट ठीक है रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम सर प्लस बजट क्लियर है क्लियर बेटा ओके yes, okay. uh, ममता क्लास में उन्होंने बेटा ओके yes, okay. समझ में आ रहा बेटा yes, प्रीति निशांत निशांत रजत ट्वेल्थ डी के बच्चे बहुत कम है ट्वेल्थ डी का आ, क्या नाम है अर्जुन समझ आ रहा बेटा चलो डेफिसिट बजट अब डेफिसिट क्या है अपना इमोजी उदास वाला इमोजी मतलब क्या है इट इस्टिमेटेड गवर्नमेंट रेसेप्ट आर लेस पैसा सरकार के पास कमा रहा है और खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं देन द बजट इज डेफिसिट बजट जैसे अभी जो देश की स्थिति है देश की इनकम बहुत कम हो रही है और खर्चे सरकार के बहुत बढ़ रहे हैं दवाइयों के ऊपर खर्चा ऑक्सीजन के ऊपर खर्चा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा सबको ऑक्सीजन सप्लाई करने का खर्चा राफेल के ऊपर खर्चा है ना बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी वैसा ही है ठीक है तो खर्चे सरकार के बहुत हो रहे हैं ठीक है और आमदनी कम हो रही है तो ऐसे में क्या होगा ये किस तरह का बजट बनेगा डेफिसिट बजट ठीक है बोलो भाई बोलो yes, हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ोगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट पढ़ो निशांत पढ़ो बेटा निशांत अनुप्रिया अरुण अरुण पढ़ो बेटा अर्जुन सॉरी अर्जुन अरुण बोल रहा हूं अर्जुन 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 चलो किरण पढ़ो बेटा मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट गवर्नमेंट के डेफिसिट को कैसे मेजर किया जाए या कौन कौन से टूल्स हैं जिसके माध्यम से एक सरकार के जो घाटे हैं वो घाटों का प्रकार क्या है ठीक है जब तक हम उनके प्रकार को नहीं समझें उनकी प्रकृति को नहीं समझें क्या होगा हम उसके बारे में सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो सही सोल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे इसलिए डायग्नोसिस करना डॉक्टर के पास मरीज जाता है डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है तो गवर्नमेंट डेफिसिट्स को पहली बार तो मापने के तरीके कौन है उसको डायग्नोसिस करना और उसके आधार पर सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना तो मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट किरण पढ़ेंगे बेटा किरण पढ़िए ठीक है ओके वन मिनट देखो पहली बात तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना बेटा दिखाई दे रहा yes, दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है बजटी डेपसिट देखो ये फ्लोर डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है फ्लो डायग्राम गिव्स द क्लियर आइडिया ठीक है हमारे दिमाग में उसका इम्प्रेशन अच्छा होता है कोई फिल्म देखो आपने देखी होगी और उस फिल्म को देखो उसमें एक्टर कौन था एक्ट्रेस कौन थी ये कितना याद होता है एम राइट और रॉन्ग बोलो भाई yes, तो ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि, कि किसी भी चीज़ को अगर पिक्चराइजेशन कर दिया जाए तो हमको लंबे समय तक याद होता है और यही कारण है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको नर्सरी में जब पढ़ाया जाए तो क से कबूतर ए फॉर एप्पल बड़ा सा ऐपल किताब में जिसमें हम लोग हजारों शब्द लिख सकते हैं उसमें एक एप्पल बना के किताब को महंगा करके भेज दिया आपको लगता होगा लेकिन वो चाइल्ड साइकोलॉजी है कलरफुल बना दिया है ना तो इसी तरह आप डायग्राम को हर नॉलेज को आप डायग्राम में बदलने का प्रयास करो हर नॉलेज को देखो आप कभी आपकी मेमोरी कितनी शार्प हो जाएगी तो बजटरी डेफिसिट जो है उसको तीन खंडों में बांटा गया है रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि बजट डेफिसिट के जो तीन कंपोनेंट हैं डेफिसिट के बजट के रेवेन्यू डेफिसिट क्या है रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने फर्स्ट डे ही आपसे चर्चा किया था कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट जब भी आएगा डेफिसिट तो उसमें क्या हो खर्चे ज़्यादा होंगे ये पहली बात जान लो चाहे कोई भी डेफिसिट हो डेफिसिट का मतलब है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हो रहे हैं ठीक है अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा अंतर आएगा तो रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है रेवेन्यू रेसिप्ट कम हो रहा है आमदनी कम हो रही है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं रेवेन्यू वाले अकाउंट में ठीक है रेवेन्यू में अगर खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो इस तरह का जो डेफिसिट पैदा होगा वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा ओके समझ में आई बात ओके okay? बोलो भाई yes, हाँ कोई दिक्कत है तो बोलना रिपीट करूंगा तो बजट्री डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू क्योंकि बजट तो तो के तो दो ही कंपनियों मैंने जब से बात शुरू की है तो बजट के बारे में हमने क्या बताया यही बताया है कि बजट क्या है एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का एक अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट है यही तो बात किया मैंने बोलो बेटा तो बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है और रिसेप्स कम हो रहा है ठीक है कोई दिक्कत बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो ज्यादा हो रहा है ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू और जो जो आपने आमदनी सोचा था कि आमदनी इतनी आ जाएगी उतनी आए नहीं तो ये क्या हो गया हमारा गवर्नमेंट का बजट का डेफिसिट का हो जाएगा ओके वेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर दे रही है जितना कलेक्ट कर पाए देन इट इनकर्सट्री डेफिसिट तब बजटरी डेफिसिट होता है विथ रेफरेंस टू बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट कैन बी थ्री टाइप्स, और बजट में होने वाले जो डेफिसिट हैं वो तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन मेजर रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ठीक है रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट अब इसके बारे में हम अलग से थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट इज़ कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है हम अभी जस्ट पढ़े हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है ठीक है तो रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत ही क्लियर है ड्यूरिंग द गिवन फिजिकल ईयर तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हो रही है रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में मेरी बात इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज इनसफिशियंट ध्यान देना बेटा इस लाइन को ध्यान देना ओन रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो अपनी आमदनी है वो सफिशियंट नहीं है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्मेंट ठीक है गवर्नमेंट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको गवर्नमेंट से की जो इनकम हो रही है उससे काम नहीं चल रहा है गवर्नमेंट समझ लो मेरी बात कि जो सरकारी जो तंत्र है सरकारी तंत्र जो है जितने भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं रेवेन्यू वगैरह से टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू वो सफिशियंट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रहा है जिससे कि जो सरकार के जो खर्चे हैं वो पूरे किए जा सकें पॉइंट इसका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा इम्प्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू डिपिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजेंस ऑफ वेरियस सर्विसेज और और जो अन्य अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट के काम हैं जो हो सकते हैं ठीक है उनके लिए फाइनेंस मुश्किल हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो डेली एक्सपेंसिज हैं ठीक है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको मीट करने में उसको Sir, क्या हुआ हेलो बैकग्राउंड से आवाज आ रही है बेटा आवाज आ रही है बेटा बंद कर लो आवाज ठीक है? तो है बंद कर लो आवाज बेटा दूसरे को भी नहीं सुन पाएंगे ठीक है तो रेवेन्यू तो डिस्ट्रिक्ट हाँ मैं रिपीट कर ओके क्योंकि तू तो अपना पहले बात तो अपना तो बंद कर ले मैं रिपीट कर देना तो अपना बंद कर ले बेटा है ना माइक बंद कर ले है ना क्योंकि बाहर से जो अंदर पीछे से आवाज़ आ रही है ना छोटे बच्चे की वो छोटे बच्चों की आवाज़ बड़ी पियर होती है तो मैं ये कह रहा था कि रेवेन्यू डिपिसट तो पहली बात दिमाग बैठा लो कि रेवेन्यू डिपिसिट क्या होगा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और रिसिप्ट कम होगी तो रेवेन्यू डिफिसट इज कल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इसका जो ये दो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू डेफिट सिग्निफाइज ये क्या बताता है कि गवर्मेंट्स ओन एक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के जो इनकम के साधन हैं इज़ इनसफिशेंट वो कम हो हैं मतलब जो इनकम है टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू से वो कम हो रहा है वो कम है या कैपिटल रिसिप्ट से देखो तो यही कारण है कि गवर्नमेंट के जब ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना तो गवर्नमेंट क्या करती है कि रेवेन्यू डिपिसिट्स को पूरा करने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है जिसमें गवर्नमेंट अपनी ही कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में बेच देती है और वहाँ से पैसे आते हैं ताकि इस डेपिसिट को कम किया जाए तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों से पूछा था कि क्या डिस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड तो आपका आंसर होगा नो डिस इनवेस्टमेंट स्ट्रेटजिक सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर वेलकम्ड लेकिन अगर इस रेवेन्यू डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए डिसन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें सरकार अपनी कंपनियों को बेचती है प्राइवेट हैंड्स में और वहां से जो इनकम होता है उससे इस डेपिसिट को फुलफिल करती है तो दैट इज नॉट गुड मुझे बात सुन में आ रही बेटा इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन्स फॉर वेरियस सर्विसेज और जो दूसरे काम हैं नॉर्मल काम करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि घाटा ही हो रहा है डेफिसिट है तो उस डेफिसिट को आप पूरा करने के लिए कुछ काम करोगे कुछ काम करोगे मतलब डिसइन्वेस्टमेंट वो भी चूँकि कैपिटल रिसिप्ट से वहाँ से पैसे आ सकते हैं बोरोइंग करोगे बोरोइंग करोगे तो क्या होगा इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो सकता है ठीक है डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे तब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगा इसके बारे में और आगे चर्चा हम करेंगे देखो इम्प्लिकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ़ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो करता है जब हमारे पास 1991 में जब भारत के का जो एल पॉलिसी लॉन्च की गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च किया गया था तो भारत का फिजिकल देप्स, फिजिकल डेफिसिट एट पॉइंट सेवन के आसपास चला गया था तो ये बहुत ही डिसास्टरस था अभी फ़िलहाल हम उस स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति में हैं हालांकि अभी भी जी बहुत आ, पीछे है और अभी जी डी पी ग्रोथ का जो एन सी ए आर ने एक डाटा दिया है जिसमें सेवन पॉइंट सेवन के आसपास जी डी पी रहने की उम्मीद को जताया है रिकवरी हो रही है लेकिन लॉकडाउन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में रिकवरी कैसे हो पाएगा इकोनॉमिक जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं होगी तो जी डी पी जानते ही हो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकॉनमी तो उसका मनी में कन्वर्ट कर लो तो मनी वैल्यू हो जाता है ऐसे प्रोडक्शन में करो तो फिजिकल टर्म्स में होता है वो तो आ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है जीडीपी को बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है रेवेन्यू डेफिसिट कि गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा कर रही है और इनकम का साधन कम जुटा पा रही है मैनेजमेंट की कमी बताता है ये ठीक है तो उस समय 8.7 था और जब Uh, अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने टारगेट रखा था थ्री परसेंट के आसपास फिजिकल डेफिसिट को रखने का ठीक है रेवेन्यू डेफिसिट तो हाई हो जाता है लेकिन फिजिकल डेफिसिट इज़ अ बेटर मेजरमेंट तो फिजिकल डेफिसिट्स को उन्होंने थ्री uh, पॉइंट वन के आसपास रखने का प्रयास किया था हालांकि वो थ्री पॉइंट सेवन तक आ गए थे लेकिन तब तक ये सब घटनाएं होने लगी उनकी डेथ भी हो गई और पेंडेमिक uh, भी आ गया तो सब गड़बड़ हो गया चलो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी ये तो एक बार मैं इसको फिर रीड uh, कर रहा हूँ आपके लिए इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर रेकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब बार बार जो होने वाले जो खर्चे हैं इन द प्रोपोज बजट सब्सिडी है सैलरी है, है इस तरह कभी कभी अभी uh, कुछ सरकारों ने क्या करती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो कुछ सरकारें क्या करती हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए एम्प्लाइज़ को पैसा भी सेंट्रल ग्रांट से देती हैं उनके अपने रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रही हैं और ये उम्मीद करती हैं कि सरकारें केंद्र सरकार उनको हेल्प करेगी ऐसा भी बहुत केस हुआ मैं आज से पंद्रह बीस साल पहले बताऊँ बिहार गवर्नमेंट में पंद्रह बीस साल पहले बताबी की बात नहीं बता रहा कि जो सरकार ने जो ग्रांट दिया उसमें रावड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी मुझे याद आ रहा है जो तो उन्होंने सरकार ने जो ग्रांट दिया था उससे सैलरी दी गई थी ठीक है बीस साल पहले की बात हुई तो उससे सैलरी उन्होंने दिया था एम्प्लॉयज़ का तो ये एक टोटल इनफिशियंसी बताता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है रेवेन्यू कम जुटा पा रही है रेवेन्यू कम हो रहा है ठीक है ये मिसमैनेजमेंट का द्योतक है और केवल मिसमैनेजमेंट नहीं उसकी वजह से परेशानियाँ होती हैं उसको फाइनेंस करने के लिए आप तमाम तरह के डिसइनवेस्टमेंट की मदद करते हो तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं ठीक है तो लाइवलिटीज़ बढ़ जाती है बर्डन बढ़ जाता है फ्यूचर सिटीजन के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि अभी की गवर्नमेंट मान लो बॉड करती है ध्यान सुनना अभी की गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए बॉड करेगी कैपिटल का सहारा लेगी तो आज आप बोरो कर लोगे जैसे आपके पापा मान लो कोई व्यक्ति है है ना कि वो बोरो कर ले बोरो करता है और फिर वो ब, वो नहीं रहा मान लो तो उसके बच्चों पर बोझ पड़ेगा ना उसी तरह हम अगर रेवेन्यू डेफिसिट है इस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम कैपिटल का सहारा लेते हैं तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा तो ये टोटल इनसी को शो करता है तो दूसरा पॉइंट है इट दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग गवर्नमेंट जो है निगेटिव सेविंग मतलब गवर्नमेंट की सेविंग निगेटिव है डिस डिस सेविंग सेविंग का एरिया आपने पढ़ा होगा जब हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे उस समय भी ऑटोनोमस कंजम्पशन से नीचे जो है सेविंग कर जो है डिस सेविंग डिस सेविंग कौन दिखाता है जहां सेविंग नहीं होता है ठीक है जहां पर कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है वो हमारा एरिया डिससेविंग वाला एरिया है तो डिससेविंग अब उतना ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस दैट इज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेचुरली जब आपके पास इस तरह की स्थिति होगी गा, घाटे होगी तो आप और किसी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड होंगे इंडस्ट्री का डिसन्वेस्टमेंट कर दोगे दूसरा सेक्टर हो गया इंडस्ट्री उससे आप पैसा लोगे बेच के उसका एसेट्स तो को बेचोगे हाँ मैनेजमेंट तो है ही है कमी मैनेजमेंट कमी है और भी और भी कुछ कारण हो सकते हैं जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं कंट्री में या बहुत मतलब इस तरह के अगर यूनियन बजट की बात करो तो मान लो कि Uh, a, हाँ बोलो uh, ये इसके कारण बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं बेटा इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पर कारण हो सकते हैं या स्किल डेवलपमेंट नहीं है जिससे मशीनरी उस तरह की डेवलप नहीं है कि टैक्स की चोरी बहुत हो रही है टैक्स नहीं लोग कर पा रहे हैं इससे देखो जब प्राइम मिनिस्टर ने डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया जो तो ने कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है फोन पे वगैरह देखो ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट ही बना रहे हैं पहले पता ही नहीं चलता था कि कितने लोग टैक्स पे कर पा रहे हैं अब जब फोन पे से आप जब हाँ बोलो हम्म हु, बोलिए तो जब ब्लैक मनी बोल रहे थे कि पकड़ा गया है तो उस देखो डिमोनिटाइजेशन वाज़ अ गुड मूव लेकिन उसके इम्पैक्ट देखो चोरी करने देखो नियम बनाने वाला एक नियम बनाता है बेटा समझना नियम बनाने वाला एक नियम बनाता है और नियम तोड़ने वाले हजार तरीके ढूंढ लेते हैं ठीक है जैसे क्लास में uh, टीचर ने बोला क्लास से बाहर कोई नहीं जाएगा अब बच्चे क्या करेंगे सर इमरजेंसी है अब हो गया हाँ अब उसको कौन रोकेगा बोलो भाई कोई रुपया है क्या तो वही वही चीज़ें बता रहा हूँ तो नियम बना सरकार ने बनाया कि डिमोनिटाइजेशन करेंगे लेकिन उस लोगों ने क्या किया कि डिमोनिटाइजेशन में अब इम्प्लॉज़ बैंक के एम्प्लॉज़ इन सब लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो मतलब कि इलीगल है जिसको हाँ बैकडोर से हा, सब लोगों ने अपने पैसे को कन्वर्ट करा लिया तो इस वजह से इसके इम्पैक्ट जो है ना शुरू में तो अच्छे लगे कि जो टेररिज्म था माओइज्म था उन सब लोगों ने जो आर्म्स के बल पर जो पैसा फॉरेन कंट्रीज से आता था फेक करेंसी था वो सारी चीज़ें बेकार हो गई फेक करेंसी वगैरह तो शुरू में इसके इम्पैक्ट बड़े अच्छे लगे ले लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इम्पैक्ट थोड़े से निगेटिव हुए अच्छे नहीं हुए ठीक है ठीक है बेटा क्योंकि बेसिकली तो यही इम्पैक्ट था ना कि एक पैरल इकोनॉमी चल रही थी ब्लैक इकोनॉमी पैदल चल रही थी और उसी ब्लैक इकोनॉमिक के जिसको कहते हैं हिंदी में कमर तोड़ने के लिए ये सब प्रयास किया गया था डिमोनिटाइजन का लेकिन ये थोड़ा सा बुमराह हो गया क्योंकि उसको लूप जो सिस्टम में थे और लोगों को परेशानियाँ इतनी होने लगी लोगों का क्योंकि जो लोग हाई प्रोफाइल लोग थे इन लोगों ने अपने फ़ायदे के अनुसार अपना यूज़ कर लिया रिसोर्सेज को एम्प्लाईज़ को सब कुछ मैं पूरा सिस्टम को ही लोगों ने लगभग समझ लो कि अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया तो कॉमन मैन को जो परेशानी होने लगी तो इसमें बहुत सारा मैन्युपलेशंस किया गया टाइम टू तो टाइम छूटें दी गई तो उसका पर्पस ही मतलब जाता रहा जब सारा पैसा कन्वर्ट ही हो गया तो फिर क्या रह गया कुछ नहीं रह गया ओके okay? चलो हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं इट ऑल्सो एम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिशिप्ट ठीक है देखो अभी जिसकी चर्चा मैं कर रहा था वही कैपिटल रिसिप्ट दैट इज थ्रू बोरोइंग और डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है अब ये क्लियर हो जाएगा इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट्स इधर लीड्स टू इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज ठीक है क्योंकि जब कैपिटल रिसिप्ट हो रहा है तो लाइबिलिटीज क्या होगी कैपिटल रिसिप्ट होगा तो हमारा एसेट्स कम हो जा रहा है तो एधर लीड्स टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रिड्यूसिस द एसेट्स थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट क्लियर है ना बेटा क्लियर है ना बोलो भाई हाँ यूज़ ऑफ़ कैपिटल डिसिप्ट फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी अब ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कैपिटल डिसिप्ट का यूज करेंगे मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजपन एक्सपेंडिचर और हमारे अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कंजुमशन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए तो क्या होगा इन्फ्लेशनरी होगा वो सिचुएशन क्या होगा कि वस्तुओं का प्रोडक्शन तो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है ठीक है आर्गेटिव पॉइंट वस्तुओं का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन लोगों के पास करेंसी आ जा, जा रही है क्योंकि कैपिटल डिस्प्स के माध्यम से पैसा तो आ ही जा रहा है इकोनॉमी में तो क्या होगा टू मच मनी फॉलोइंग लेस अमाउंट ऑफ गुड्स तो वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को क्रिएट करता है अगर वस्तुएं कम हो और डिमांड करने वाले ज़्यादा हो तो क्या होगा प्राइस राइज होगा इसी पॉइंट को लिखा है यूज ऑफ कैपिटल डिसप्ट फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पन एक्सपेंडिचर

लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि तक होगा अगर आप बैंक का पैसा सही समय पर नहीं चुकाओगे तो बैंक क्या करेगा आपको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में डालेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ठीक है अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल देखो ये अलार्मिंग होता है ये कि हाँ अब खतरे की तरफ आप बढ़ रहे हो अलर्ट हो जाओ ठीक है अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट to either curtail its expenditure or increase its revenue या तो अपने खर्चे कम करो बड़ी ऐसे मंत्रियों की लिस्ट और हर मंत्री को गाड़ी हर मंत्री को सिक्योरिटी गार्ड ये सब, सब खर्चे हैं ठीक है तो ये सब सारे खर्चे आप कम करो मंत्रियों को पेंशन है ना वो एमपी बन जाए तभी पेंशन एम एल है सभी पेंशन राष्ट्रपति हो गया तभी पेंशन तो हर लेवल पर पेंशन नहीं होना चाहिए तो ये गवर्नमेंट को इस तरह की आवाजें उठ रही हैं एक सरकारी कर्मचारी तीस साल सर्विस करता है तब उसको पेंशन नहीं मिल रहा है और एक तरफ एक एक दिन भी अगर शपथ ग्रहण कर लिया तो उसको पेंशन मिल जाएगा ठीक है तो आ, हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू तो द गवर्नमेंट टू तो आइदर कर्टेल इट्स एक्सपेंडिचर या तो अपने खर्चे कम कर लो और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू या अपने आमदनी के साधनों को बढ़ा लो इनकम बढ़ाओ ठीक है पॉइंट

कम हो क्योंकि जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल आप किसी भी डेवलपमेंटल वर्क के लिए मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसा रहेगा अगर आपके पास रेवेन्यू है तो आप स्कूल की बिल्डिंग बना लोगे अगर आपके पास रेवेन्यू है पैसा है इनकम है तो आप ब्रिज बना लोगे जैसे अभी अभी क्वेश्चन आएगा आगे कि क्या हमेशा फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज बैड तो इसका आंसर होगा कि नहीं अगर फिजिकल डेफिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हो रहा है फिजिकल डेफिसिट तो ये बुरा नहीं है क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट्स का क्रिएशन होगा जैसे अभी भारत में आ, मैं पढ़ रहा था 2013 से एक डाटा था कि जो सड़कों की जो बनाने की जो गति है वो तीन गुना के आसपास ज़्यादा है 2013 में जो गति थी उससे ज़्यादा मतलब पर डे तो ये बहुत बड़ी बात है तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी तो वो बहुत डायनेमिक काम कर रहे हैं तो वो पूरे हिंदुस्तान में देखो बॉर्डर पर बहुत सारी सड़कें बन रही हैं टनल बन रहा है जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश से ले सब अंडरग्राउंड टनल वगैरह सब बहुत सारे बन रहे हैं और इसी तरह जहाँ जहाँ ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क बन रहा है सुपर हाईवेज है ना सब मतलब सारे एरियाज पर बढ़िया सड़कें बन रही तो ये जो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया अब इसकी वजह से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा तो वो फिजिकल डेफिसिट अच्छा माना जाएगा ठीक है तो जब रेवेन्यू आपके पास होगा जब इनकम के साधन होंगे इकोनॉमी में तो ये इनकम का साधन ही हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में मदद डालेगा मदद करेगा तो पॉइंट बोलो भाई हाँ तो मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट अब रेवेन्यू डिफिट को घटाने के उपाय क्या हो सकते हैं भाई रिड्यूस रिड्यूस एक्सपेंडिचर अपने खर्चे कम कीजिए गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जैसे अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उसमें वैसे लोग हैं जो कि जिनके बच्चे कोई कनाडा में है कहीं कुछ है और कुछ ऐसे किसान हैं जो समझ नहीं पाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सरकार क्या कर रही है कि वो सब्सिडी एमएसपी पर उन लोगों को नहीं देना चाहती है जो करोड़पति हैं अरबपति हैं लेकिन किसान हैं सरकार का ये कहना है कि हम उसको देंगे जो वास्तव में नीडी है जिसको जरूरत है जिसको एक एकड़ जमीन है जिसको दो एकड़ जमीन है जिसको पांच एकड़ जमीन है लेकिन उसको सब्सिडी देने का क्या महत्व है जिसके पास सौ एकड़ जमीन हो डेढ़ सौ एकड़ जमीन हो दो सौ एकड़ जमीन हो और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगता है तो सरकार का मानना है कि सारे को पहली बार तो टैक्स के स्लैब में आने चाहिए ठीक है जो बड़े किसान हैं, तो ये सब ये सारी बातें तो गवर्नमेंट ये वर्ल्ड बैंक का भी डायरेक्टिव है कि आप अपने खर्चे को कम करो भाई ठीक है ग्लोबलाइजेशन हुआ सबसे ये चीजें वर्ल्ड बैंक कहता जा रहा है कहता जा रहा है और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी इस चीज़ों को इस चीज के लिए प्रयास किया था लेकिन विल पावर की कमी कह लो ठीक है या नेतृत्व की कमी कह लो जो कह लो जो भी आप कह सकते हो तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया लेकिन अब चूँकि विल पावर सरकार का मजबूत है इसलिए वो इन सब चीज़ों पर कदम उठा रही है तो रिड्यूस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू द रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड एवॉड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आप जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बस इतना ही जान लो कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे को कम करना चाहिए और अपने रिवेन्यू के साधनों को बढ़ाना चाहिए जो कि दूसरा पॉइंट है इंक्रीज रिवेन्यू गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू के जो सोर्स हैं उनको और बढ़ाना चाहिए जैसे हम मान लो कि हम सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन जानते हो एक ठेले वाला जो गोलगप्पे बेचता है दिन में खड़े होकर सात सौ रुपये आठ सौ रुपये के गोलगप्पे बेच देता है एक दिन में आप अगर वो आ, एक मतलब हम नॉर्मल मानते हैं पाँच सौ रुपये मान लो तो पाँच सौ रुपये का अगर गोलगप्पे बेचता है तो एक दिन में तो पूरे महीने में उसकी सोलरी दो जोड़ लो कितनी होगी आप समझ रहे हो हाँ जो एक बीटेक किया हुआ इंजीनियर उतना नहीं पाता है और उस पर खर्च कितना हुआ न तो उस व्यक्ति गोलगप्पे बनाने वाले के ऊपर कोई खर्च हुआ उसको पढ़ाने लिखाने में कुछ और एक बीटेक बनाने बीटेक एक फादर अगर अपने बच्चे को बीटेक कराना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में कितना खर्च हुआ होगा सोच लो जरा उसकी इंजीनियरिंग की कोचिंग में कितना खर्च हुआ होगा और उसकी जब जॉब लगती है आज के कंडीशन में बता दूँ दस से बारह पंद्रह हजार पर स्टार्टिंग बेचारा करता है आप सोच लो तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए आप एक फल वाला है वो फल बेच रहा है एक मीट वाला है मीट काट रहा और उसकी दुकान भरती जा रही है ठेले पर ठेले पर ठेले पर कई ठेले चलवा रहा है वेरी पाइंड तो क्या ऐसे लोग टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए आप सोचो जरा मैं आपको एक सोचने का मौका दे रहा हूँ कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा क्या इन लोगों के ऊपर भी कमर कसनी चाहिए क्या आप सड़कों पर चले जा रहे हो और सड़कों पर बेचे जा रहे हो सरकारी क्षेत्र पर आप काम कर रहे हो तो क्या वहाँ टैक्स नहीं होना चाहिए उनकी लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए कि आप जब सड़क पर आओगे बेचोगे तो हाँ आपको भी कुछ पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताओ हम राइट रॉन्ग राइट ना चलो अब आते हैं फिजिकल डेफिसिट्स के ऊपर फिजिकल डेफिसिट्स फिजिकल डेफिसिट्स क्या है फिजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट्स अ मोर वो उससे बड़ा थर्मामीटर इकॉनॉमी का इकॉनॉमी के स्टेबिलिटी का इकॉनॉमी के ग्रोथ का ये बढ़िया थर्मामीटर है रेवेन्यू डिफिसट्स तो एक इंडिकेटर है कि हल्का सा बुखार 98.6 से थोड़ा सा ऊपर हो गया नाइन्टी वो रेवेन्यू डेफिस समझ लो उसको फिजिकल डेफिट क्या है अब ओह हो टेम्परेचर वन हो गया अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यह है फिज़िकल डेफिसिट्स ठीक है और जब प्राइमरी डेफिसिट आएगा तो बुखार 104 डिग्री अब आईसीयू में जाना पड़ गया जीटिव पॉइंट और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा समझ में आया बोलो भाई रेवेन्यू डिस्ट क्या है टेम्परेचर नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स से थोड़ा सा दिख फिजिकल डिपिसट्स एक सौ दो डिग्री बुखार और प्राइमरी डिपसिट्स एक सौ चार डिग्री बुखार आई सी यू समझ में आया समझ में आया अरे बोलो भाई yes, याद रहेगा ना तो ऐसे ही याद रखना है खेल खेल में आकिन एग्जाम के नंबर लेने के लिए लिखोगे आई सी वाला आइडिया तो काम नहीं करेगा चलो फिजिकल डेफिट्स फिजिकल डेफिट्स प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रीहेंसिंग व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस इट इज़ अ वाइडली यूज एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देखो उसी हिसाब से लिखा भी हुआ in है सेंटेंस को ध्यान देना इट इज़ वाइडली यूज एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया ठीक है जैसे हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन uh, जब हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च हुई थी तो हमारे यहाँ फिजिकल डेफिसिट्स लगभग एट पॉइंट सेवन हमने रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं की थी हमने फिजिकल डेफिसिट्स की बात की थी तो ये बड़ा सा पैरामीटर है ठीक है इट इज़ वाइडली यूज एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ध्यान देना एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर ठीक है ज्यादा हो जाए किससे टोटल रिसिप्ट से टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर यही टोटल एक्सपेंडिचर हुआ टोटल रिसिप्ट क्या हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट ठीक है लेकिन यहाँ ध्यान देना क्या लिखा है फिजिकल डेफिसिट डिफिट रेफोर्स एक्सेस ऑफ तो टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट में आपने देखा ना कि बोरोइंग भी होता है ना अदर डिसिप्ट भी होता है ठीक है तो बोरोइंग को छोड़कर डिसनवेस्टमेंट तो बोरोइंग को छोड़कर आप डिसमेंट कर लो अदर डिप्ट कर लो लेकिन बोरोइंग को इसमें जोड़ोगे नहीं क्योंकि क्योंकि फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए हम बोरोइंग का ही सहारा लेते हैं तो फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू दे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग अ गिव इन फिजिकल ईयर दिमाग में बैठ रहा है बेटा <coughs> बोलो भाई तो फिजिकल डेफिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल ये डबल स्टार किया हुआ है ये फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है ओके द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डेफिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस इसका मतलब क्या हुआ कि द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डेफिट इज इंडिकेशन ये किस बात का इंडिकेशन है किस बात को इंडिकेट करता है क्या बताता है हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स अपने साधनों से ज़्यादा खर्च कैसे कर रही है सरकार तो यहीं पर मैं बता रहा था कि अगर फिजिकल डेफिसिट्स फे, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है क्योंकि देश में एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है पुल कहीं बन रहा होगा ठीक है डिफेंस के कैपिटल इक्विपमेंट्स आ रहे होंगे देश कहीं मजबूत हो रहा होगा कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही होगी कोई हॉस्पिटल बन रहा होगा और ये बन जाएगा तो आगे की आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से अगर फिजिकल डेपसिट होता है तो वो उतना बड़ा परेशानी का कारण नहीं है समझ लो लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है ठीक है और उसकी वजह से फिजिकल डेपसिट बढ़ रहा है तो वो चिंता का विषय है ठीक है समझ में आई बात बोलो भाई yes sir, yes sir. ओके ये ब्लॉग पढ़ते हैं ज्यादा टाइम हो गया क्या दिमाग हैंग हो रहा है बोलो yes नहीं ना yes चल ओके हो रहा है नहीं चलो टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स इंक्लूड रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग बोरोइंग को छोड़कर टोटल रिसिप्ट में क्या क्या चीजें होती हैं देखो यहाँ लिखा ना टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरइंग स्टार मार्क किया हुआ देख रहे हो टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरइंग तो टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग को छोड़ दो तो टोटल रिसिप्ट में क्या क्या होता है जैसे अभी मैंने बताया रिसिप्ट में क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में आपने देखा बोरइंग उसका एक हिस्सा है तो बोरोइंग को हटा दिया तो, बाकी जो दो बचे तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग और कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सक्लूडिंग बोरिंग बोरिंग से क्या होता है डेप्ट क्रिएट होता है so, receipts, तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्टो कहते हैं तो नॉन क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट द बोरिंग्स सो मच रिसिप्ट डू नॉट गिव राइज टू डेप फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन्स और प्रोसीड फ्रॉम डिसन्वेस्टमेंट अगर ये रिसिप्ट हैं जो कि आधा रिसिप्ट में आपने देखा ऊपर दिखा दूँ आपको बजटरी नहीं रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं यहाँ पर आपने देखा था कल ही देखा था आपने देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइबिलिटीज ये, ये इससे ऊपर था है ना दिस इज़ यू कैन सी कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट कहाँ गए भाई हाँ हाँ अब आ जाएगा सर ठीक है ऊपर तो तो चला कर सकें हाँ देखो ये कैपिटल रिसिप्ट देखो दिखाई दे रहा ना ओके नोके को हटा दिया बचा क्या रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट ठीक है और जो साधन है कहीं से कुछ मिल जाए इंटरेस्ट वगैरह मिल जाए ठीक है ठीके? तो ये इसकी चर्चा हम कर रहे थे तो ये जो पहले का पढ़ा हुआ है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया ओके ओके यहाँ होगा हो जाए तो ये हम कह रहे थे रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरइंग इंक्लूड्स क्या क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरइंग उसमें क्या क्या चीजें आएंगी नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड ऑल द कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट द बोरइंग ठीक है ये आ, सो सच रिसिप्ट डोंट गिव राइज टू डेप और उसका एग्जाम्पल दिया है कि डोंट राइज टू डेप मतलब ऋण को बढ़ाने वाला नहीं हो उसका एग्जाम्पल क्या है रिकवरी ऑफ लोन्स मतलब जो आपने लोन दिया हुआ था उस लोन की रिकवरी हो जाए ठीक है या प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट या सरकार अपने कंपनियों का हिस्सा प्राइवेट में बेच देव पॉइंट तो ये हमारा एक्सक्लूडिंग में आई बात चलो एक दिन का और क्लास हो जाएगा मुझे लगता है इम्प्लीकेशंस ऑफ फ़िजिकल डेब इसका इम्प्लिकेशन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन क्लास लंबा हो गया है इसलिए आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे बेटा ज़्यादा समझ में नहीं आ जाए जितना उतना ही पढ़ो जितना ज़्यादा समझ में आ जाए ठीक है इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे ठीक है और इसके जिस बुक से भी पढ़ रहे हो उसके एम सारे सॉल्व कर लो और नहीं जो समझ में नहीं आए जो डाउट हो वो हमसे पूछ लो ओके एम राइट right? ठीक है कल हम फिर तीन बजे तीन बजे मुलाकात होगी तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है ओके बेटा ओके बाय